कम्युनिस्ट पार्टी के रूल के अंदर चाइना ने वो अचीव किया है जो कि अनप्रेसिडेंटेड है ह्यूमन हिस्ट्री में। 800 मिलियन की आबादी को गुर्बत की लकीर से ऊपर लेके जाना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में लीडरशिप रोल इख्तियार करना, दुनिया की सेकंड बिगेस्ट इकोनॉमी बनना और युआन को स्ट्रेंथन करना और डिजिटल आरएमबी के बारे में बात करना, ये वो अचीवमेंट्स हैं जिस पे जितना भी बोला और लिखा जाए कम है। आई थिंक ये एक ऐसा मॉडल है जिससे बहुत सारे मुल्क बहुत कुछ सीख सकते हैं, स्पेशली पॉवर्टी एलिविएशन, जिसमें जिसके जरिए चाइना ने सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हासिल की और ईस्टर्न बॉर्डर से लेके नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर तक इकोनॉमिक डिविडेंड हासिल किया। आज चाइना की इकोनॉमी मजीद स्ट्रेंथन हो रही है और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का विजन था और उन्होंने 2013 में दिया, उसके जरिए और रीजनल कंट्रीज जैसा कि पाकिस्तान है उसमें सीपैक के जरिए जो सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हासिल की जा रही है उसकी मिसाल नहीं मिलती और ये यकीनन हमारी आने वाली जनरेशन के लिए बहुत सूदमंद साबित हो। मैं यहां पर इस बात का तस्करा करना जरूरी समझता हूं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी और रिसर्च एंड इनोवेशन के मैदान में चाइना ने जिस तरह तरक्की हासिल की है और अभी मार्च में दिए जाने वाले अपने 14th 5-year plan में इसको हाईलाइट किया है। इसके अलावा एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स और ग्लोबल वार्मिंग जैसे इश्यूज को एड्रेस करना, ये चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का एक अचीवमेंट है। और मैं समझता हूं इन तमाम चीजों के अलावा जिस तरह चाइना ने ग्लोबल फोरम्स में G8, यूनाइटेड नेशंस और पेंडेमिक को एड्रेस करने में जिस तरह WHO को सपोर्ट किया है, आई थिंक ये भी अनप्रेसिडेंटेड है और इसके लिए चाइनीज गवर्नमेंट को एक्नॉलेज किया जाना चाहिए। मेरा ख्याल है कि चाइना पाकिस्तान फ्रेंडशिप, और चूंकि ये 70वां साल है चाइना पाकिस्तान फ्रेंडशिप का, ये हमें बहुत सारे मौके देता है कि हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर सेक्टर और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में चाइना से सीख सकें, चाइना के साथ कोऑपरेट कर सकें और अपनी सप्लाई चेन को चाइना की सप्लाई चेन और ग्लोबल सप्लाई चेन से कनेक्ट कर दें। मैं आखिर में चाइनीज गवर्नमेंट को, चाइनीज अवाम को मुबारकबाद पेश करता हूं कि उन्होंने इस इकोनॉमिक जर्नी में तरक्की हासिल की और एक ऐसा मॉडल किया जिससे बाकी मुल्क भी सीख सकते हैं अपने करेक्टरिस्टिक्स में। और आई थिंक पाकिस्तान जो एक जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन रखता है वो अपने करेक्टरिस्टिक्स में चाइना के सोशो इकोनॉमिक मॉडल से बहुत कुछ सीख सकता है।